तो भाई इस वीडियो का थंबनेल से आप पता कर लिए हैं कि हम किस टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाने वाले हैं। जी हाँ, आए थे यार, घूमते हुए जा रहे थे ड्यूटी के लिए, तो सोचे कि इधर बहुत सारा आप देख सकते हैं बैक साइड में मटेरियल पड़ा है जिसका कि बिल्डिंग बनाने में उपयोग किया जाता है, तो इसीलिए सोचे कि आज इसी के ऊपर बात किया जाए और दिखाते हैं कि कितना बहुत हार्ड सामान का यार मतलब इसमें लगता है काम करने में। दिखाते हैं आपको बारीकी से, आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। यार जब मैं छोटा था और काफ़ी पहले, मतलब आज से 2-3 साल पहले, जब भी मैं ऐसी बिल्डिंगें देखता था ना, उसे कंपनी देखता था, तो सोचता था कितना टाइम लगता होगा इसे बनाने में। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चल गया कि यार 1 से 1.5 महीने में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनकर रेडी हो जाती है। वो भी कैसे, कितने कारीगर लगते होंगे यार, कौन सा, मतलब आप देखें कि कौन सा सरिया लगता है, कितना मोटा मोटा सरिया है यार। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग 1-1 महीने में बनकर रेडी हो जाती है, पूरा लाइव देख सकते हैं। इसका सरिया जो है ना एकदम मजबूती है, और इसका जो सुतिया हुआ तार है देख सकते हैं कि सुतिया हुआ तार भी अलग अलग हिस्सों में लगा हुआ है, जिसके कारण ये पिलर मजबूत है, बहुत मजबूत है। और ये हमारे गांव के जो छत ढलाता है ना, उससे कई गुना ज़्यादा मोटा है। आप देख सकते हैं कि ये यार बिल्डिंग बनाने में, हम पहले सोचते थे ना कि जो हम लोग का छत ढलाता है ना वही यहाँ पे भी लगता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ अलग है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का सरिया है, और इस साइड देखिए, इस साइड देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कितने दूर में छत ढलाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ से लेकर देखिए वो ऐसी बिल्डिंग बन जाती है यार 1-1 महीने में। यार सोचने वाली बात ये है कि यार देखिए यहाँ पर खुद से 1-1 जो यहाँ के मिस्त्री होते हैं ना, ठेकेदार जिसे बोलते हैं, ठेकेदार 1-1 महीने में यार इतना लेते हैं ना पैसा, मतलब कि 70 लाख 80 लाख रुपए लेकर। देख सकते हैं पीछे फोर व्हीलर में वो लोग आते हैं, फोर व्हीलर से आते हैं और यहाँ पे तंबू टान कर रहते हैं और इस सब को मतलब खुद ही वो लोग बनाते हैं। जितना सेटअप है ना सब वो खुद ही बनाते हैं, कोई वो मजदूर खुद ही लेकर आते हैं, जो यहाँ का ठीका लिए रहते हैं वो खुद मजदूर लेकर आते हैं और यहाँ पे वर्क करते हैं। देख सकते हैं कि उस साइड में ट्रैक्टर लगी है, उस साइड 2-4 लोग हैं जो कि वही हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं ना, वही लोग हैं वो, ठीक है। दिखाते हैं कि ट्रैक्टर वैक्टर सब आई है भाई, और सब इन्हीं लोगों का है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के पास सब कुछ है। देख सकते हैं कि इस साइड ट्रैक्टर एक लगी हुई है और साथ में इसके साथ ढलाई करने वाली मशीन है, जो कि घरों में आप लोग देखे होंगे इसको कि ढलाई कैसे होती है, ठीक है। और इस साइड देखा जाए तो एक ट्राली है भाई, इस पर मिट्टी निकाला जाता है जो पिलर के नीचे से होता है ना, क्या बोलते हैं, नेव, हमारे भोजपुरी भाषा में नेव बोलते हैं, नेव के नीचे से देखिए वहाँ पे भी एक ट्रैक्टर है, और ये सब माटी ढोने की काम आती है या और भी इत्यादि बहुत कुछ काम आती है। तो ये सब कुछ का ठीक है एक बार में 70 लाख 80 लाख रुपए लेकर ले लेते हैं यहाँ के लोग, ठीक है, यहाँ का ठेकेदार। और फोर व्हीलर से यार बड़ी बात यह है कि यहाँ के ठेकेदार जो है ना फोर व्हीलर से, ये जितना भी आप देख रहे हैं ना पटरा, ये सब ढलाई करने वाला लगेज है, सामान है, तो इसको सब लोग खुद से ही बनाते हैं। दिन में ठोक ठाक करते हैं, रात को फिर सोते हैं, खाते बनाते इधर ही हैं। और देख सकते हैं कि इधर सरिया यार एकदम, मैं तो देखा तो यार सोचा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनते, क्योंकि मैं बाहर प्रदेश वैसे भी गया हूँ लेकिन बनते हुए नहीं देखा हूँ भाई, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ कि इतना सामान के साथ, बाप रे बाप, कैसे बनता होगा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग। आप लोग जितने लोग हैं बाहर, जो लोग देखे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन हम नहीं देखे थे तो सोचे कि यार पहली बार देख रहे हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग कैसे रेडी हो रही है हमारी आंखों के सामने, तो सोचे कि आपसे भी, आपको भी दिखाते हैं, आप लोग काफ़ी लोग देखे होंगे। तो देखिए यहीं पर आया था मैं चाय पीने, दिखा रहे हैं थोड़ा पे, उधर देखिए एक ट्रैक्टर, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, दिखाते हैं, यहीं पे आया था, देखिए इसी गुमटी पे आया हूँ चाय पीने के लिए। आता रहता हूँ यहाँ पे हर एक 2 दिन पे चाय पीने के लिए आता हूँ, तो यहीं पे सोचिए एक वीडियो भी शूट हो जाए। चलिए आगे कुछ और दिखाते हैं, एक बिल्डिंग देख सकते हैं, लोकेशन यही है, थोड़ा हाईवे से जस्ट गाड़ी उड़ी जा रही है, ठीक है, सूरत रेलवे स्टेशन यहाँ से आधा घंटा लगता है जाने में, यही हाईवे है आराधना जरी के आगे, आराधना जरी जो लिखा है ना, वन स्टॉप जरी सोल्यूशन, इसके आगे से जो हाईवे गया है वो सूरत और उढ़ना रेलवे स्टेशन, जो कि सूरत का बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसी के साइड में ये बन रहा है इतनी बड़ी कंपनी, ठीक है। देख सकते हैं कि शायद 2-3 एकड़ में ये ज़मीन है और उसी में बनाया जा रहा है। देखिए ये सरिया जो दिख रहा है ये हमारे छत में लगता है, इस साइड वाला, इस साइड का जो सरिया दिख रहे हैं, और वो जो पिलर बनाकर रेडी करते हैं सरिया, वो नहीं लगता है हम लोगों में, ठीक है, हम लोग के घरों में पतला वाला लगता है, और ये सब कंपनी बनाने में इतना मोटा मोटा ही सरिया यूज होता है। और देख सकते हैं उधर बालू गिट्टी, यार इधर रेट भी किसी दिन पता करेंगे आपको कि रेट इधर का कौन सा रेट किस मतलब प्राइस का है, ठीक है, मतलब कि सरिया किस कितने पैसे का है, बालू कितने पैसे का है, गिट्टी कितने, मतलब ट्राली के हिसाब से पूछेंगे और कुंटल के हिसाब से छड़ को भी पता करके बताएंगे कि कितने रुपए हमारे यहाँ से फ़र्क क्या है यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ का क्या फ़र्क है और वहाँ पे क्या रहता है। चलिए तब तक मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और ये क्या करें यार।